टेक्निकल मऊ यूट्यूब हिंदी चैनल पर आज की इस वीडियो हम लोग सीखेंगे कि पीएफ में केवाईसी कैसे करें। फॉर एग्जांपल आपको अपने पीएफ में बैंक अकाउंट कैसे जोड़ना है, इसी से रिलेटेड इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा। बिल्कुल लेटेस्ट वीडियो होने वाली है, मात्र 1 से 2 मिनट का ही वीडियो है, कंप्लीट वॉच करिएगा ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। समय न गवाते हुए मैं आपको इस पोर्टल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। जैसे ही उस पर आप क्लिक करेंगे तो सीधे आप यहाँ पर आ जाएंगे। तो आपको करना कुछ नहीं है। केवाईसी करने के लिए यदि आपने यूएन नंबर पहले से एक्टिवेट कर रखा है तो कोई बात नहीं, आपको आईडी और पासवर्ड अब आपने जनरेट कर लिया है तो अच्छी बात है। यदि नहीं जनरेट किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, आपको यूएन नंबर कैसे एक्टिवेट करना है उससे रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे। तो सिंपली हमें यहाँ पर अपना यूएन नंबर डाल करके और पासवर्ड और कैप्चा कोड फिल करके साइन इन पर क्लिक करना है। तो चलिए हम अपना सारा डिटेल फिल करके साइन इन पर क्लिक करते हैं। साइन इन पर क्लिक करते ही कुछ इस प्रकार का आपको इंटरफेस दिखेगा। तो सिंपली केवाईसी करने के लिए आपको बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए इस मैनेज वाले ऑप्शंस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम मैनेज वाले ऑप्शंस पर क्लिक करते हैं, उसके बाद केवाईसी पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप केवाईसी पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन शो होगा कि आपको क्या क्या इसमें ऐड करना है। बैंक अकाउंट, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ये तीनों चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। मोस्टली इसमें ज़्यादातर लोग 2 चीज़ें ही ऐड करते हैं, बैंक अकाउंट और पैन कार्ड। लेकिन इन दोनों में से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, आपको बैंक अकाउंट, क्योंकि जब आपको 50,000 से ज़्यादा का विड्रॉल करना होता है तब पैन कार्ड की आवश्यकता पड़ती है। उसके पहले आपको ओनली बैंक अकाउंट से भी आपका वर्क हो सकता है। तो चलिए हम अपना बैंक अकाउंट ऐड करेंगे। तो सीधे हम बैंक पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक कर देंगे तो आपको यहाँ पर अपना नाम और बैंक अकाउंट नेम ऑलरेडी शो कर देगा। यहाँ पर जैसे कि देख पा रहे हैं, यहाँ पर नेम ऑटोमेटिक शो कर देगा। आपको बैंक अकाउंट नंबर डालना है और कन्फर्म अकाउंट नंबर, आरएफएससी कोड और यहाँ पर चेक मार्क पर क्लिक करना है। इतना सारा डिटेल क्लिक करने के बाद सेव वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो ऐसे ही सेम यहाँ से आप अपना केवाईसी कर सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो में काफ़ी अच्छा लगा हो और इन्फॉर्मेशन समझ में आया होगा कि कैसे 2023 में हम अपना केवाईसी कंप्लीट करें। तो इस प्रोसेस से आप केवाईसी कर सकते हैं।